हाय एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपाई और आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एससी वर्मा के प्रॉब्लम्स। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 5 मोर प्रॉब्लम्स, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट आई टू फाइनल स्टेट एफ। तो आइडियल गैस देते ही आप ये समझ जाएं कि PV इज इक्वल टू NRT हमको यूज़ करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट आई टू फाइनल स्टेट एफ इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ द प्रेशर टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो इट इज़ गिवेन दैट कि P/T प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट है, ये हमको गिवेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं, वॉट विल बी द वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो P/T हमारा कांस्टेंट होने की वजह से गैस, अब आप देखिए ये आइडियल गैस यूज़ करनी पड़ेगी बिकॉज उन्होंने खुद ही कहा कि आइडियल गैस है। तो टी को आप नीचे भेजें तो दिस इज़ लाइक NR/V। अब सोचिए अगर P/T कांस्टेंट है तो इसका मतलब NR/V भी कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए N तो कांस्टेंट ही है, कहीं ऐसा नहीं दिया कि मोल्स चेंज हो गए हैं। R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो बचता है वॉल्यूम। तो इसका मतलब यहाँ से वेरी क्लियरली वी कैन से कि NR/V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो NR को भी नीचे भेज दो अगर, तो 1/V इज कांस्टेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि V इज कांस्टेंट। अब देखो अगर V कांस्टेंट है तो जो वर्क डन होता है गाइस, वर्क डन इज इंटीग्रल P/dV, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट ही है तो dV क्या होगा, जीरो होगा, तो इसलिए वर्क डन यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा। तो वेरी सिंपली ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया है बिकॉज वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट कि जो है वर्क डन इस केस में आपका जीरो होगा। तो लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज नोट इट। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 जो कि PV डायग्राम पे बेस्ड है। एंड क्वेश्चन है कि फिगर इज गिवन, तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ गाइस, ये आपका फिगर है। इधर ध्यान देना, दिस इज टाइम, इट इज़ P और इधर आपका V, ये बहुत ध्यान दिया करें पेपर में, इधर भी P हो सकता है, इधर भी P हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देकर। तो देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं इस रेक्टेंगल के अंदर, एक A टू C टू B, ठीक है, ऐसे एक देखो डायगोनल के थ्रू दिया गया AB, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक आपको ऐसे दो एरो बना के दिया गया है ऐसे करके, दैट इज़ AD टू B। अब इनको मार्क कर लो, इधर जो आपका प्रेशर है दैट इज़ 10 kPa, इधर जो है आपका दैट इज़ 13 kPa PA, और यहाँ पर आपकी वॉल्यूम है 10 cubic cm³ एंड दिस इज़ लाइक 25 cc, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि सोर्स 3 पाथ थ्रू विच अ गैस कैन बी टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, यानी कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस इन ईच ऑफ दिस 3 पाथ। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें ये देखना है कि जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट है, बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग कि A से B जाने के लिए आपको A to C एंड C to B जाना होगा। एक में आप डायरेक्ट जा सकते हैं A से B और एक में आप A से D, D से B। तो आपको पता है कि कुछ फंक्शंस होते हैं विच आर स्टेट फंक्शन,
जो कि लाइक ए से बी में आप कोई किसी भी पाथ से जाएं आपका आंसर सेम आता है, लेकिन देर आर फ्यू जो कि पाथ फंक्शन होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग पाथ से अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हमारा जो रिसर्च यहाँ पर है कि वर्क डन क्या है, एंड दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड हियर। तो हम पहले क्या करेंगे, ए से सी और सी से बी वाले पाथ में जो है वर्क डन निकालने जा रहे हैं, पाथ ए टू सी टू बी, ठीक है, ये पाथ से जाएंगे। तो दो पार्ट हैं यहाँ पर, ए से सी और सी से बी। तो वर्क डन अलोंग ए सी प्लस वर्क डन अलोंग सी बी, ये दोनों हम लोग निकालेंगे। तो ए से सी में आप देखो कि वॉल्यूम जो है दैट इज़ कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, और वैसे केस में वर्क डन जीरो होता है, तो यानी कि डब्ल्यू ए सी इज़ जीरो। अब यहाँ पर हमें केवल डब्ल्यू बी सी कैलकुलेट करना होगा। इसमें देखो प्रेशर जो है पी डेल्टा वी फॉर्मूला होता है हमारा, तो प्रेशर आप देखिए कितना है, दैट इज़ 30 किलो पास्कल, दिस इज 30 इंटू 10 की पावर 3, और वॉल्यूम का चेंज हमारा 25 माइनस 10 विच इज़ 15 सीसी, सीसी मतलब 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब है ये, तो आप खुद ही जानते हैं 10 की पावर माइनस 2 से सेंटीमीटर से मीटर को कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज़ लाइक 10 की पावर माइनस 3 एंड 30 इंटू 15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल, विच इज़ वॉट 5450 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल, ठीक है। अब इसको आप करेंगे तो 0.45 जूल आपका वर्क डन आ रहा है, ठीक है, पाथ ए सी बी से आपका वर्क डन आ रहा है 0.45 जूल, क्लियर। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो चलो पहले आसान ये रास्ता जहाँ पे वॉल्यूम या प्रेशर कांस्टेंट रहता है उस जगह हम अगर क्वेश्चन करते हैं तो बहुत आसान रहता है फॉर्मूले को अप्लाई करना। तो ये हमारा फर्स्ट पाथ था जहाँ से हमें 0.45 जूल पता चला। अब सेकंड पाथ हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज़ ए डी बी, इस पाथ से चलेंगे। तो यहाँ पर देखो अगर हम बी डी पाथ देखें तो फिर से वो आइसोकोरिक है बी डी, और एक आपका पाथ है ए डी, तो बी डी आपका जीरो हो गया। ए डी आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है 10 किलो पास्कल यानी कि 10 की पावर 3, और जो वॉल्यूम का चेंज है दैट इज़ सेम विच इज़ नथिंग बट 15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल, ठीक है, माइनस 6, 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 150 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल विच इज़ नथिंग बट 0.15 जूल, कितना हो गया हमारा वर्क डन, दैट इज़ 0.15। अब देखो अलग आया, इस पाथ से अलग आ रहा है और इस पाथ से अलग आ रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि पाथ डिपेंडेंट। अब देखो ये वाले पोर्शन में प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, लेकिन लीनियरली हो रहा है। तो जब लीनियर हो तो दो काम कर सकते हैं हम, लीनियर क्या मतलब कि बेसिकली इजी करने के लिए, एक तो आप चाहो तो ये एरिया पीवी कर्व में जो एरिया होता है उससे आपको वर्क डन पता चलता है, तो ये एरिया आप निकाल लें तो यू विल बी एबल टू गेट द वर्क डन, ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है इसका एरिया निकाल लें। दूसरा मेथड है कि अगर लीनियर है तो हम प्रेशर का एवरेज ले लें और प्रेशर के एवरेज को डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करें, तो मैं वही करने जा रहा हूँ, दैट इज़ पी एवरेज इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी निकालना बहुत ही आसान है, दैट इज़ 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और प्रेशर का एवरेज भी लेना आसान है बिकॉज 10 प्लस 30 इज़ 40 एंड दिस इज़ नथिंग बट 20, तो ऐसे ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 15 टू जा 300 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल, ये थर्ड, ये हम लोग ए बी पास के थ्रू कर रहे हैं गाइस, सो दिस इज़ नथिंग बट 0.3 जूल। तो फर्स्ट पाथ था ए सी बी, उसमें आया 0.45 जूल, फिर अभी ये सेकेंड पाथ जो कि बुक में दिया गया है उसके हिसाब से 0.3 जूल, और जो थर्ड पाथ है दैट इज़ फ्रॉम ए डी टू बी, वहाँ पर आपको 0.15 जूल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, प्लीज़ राइट इट डाउन एंड वी आर नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8।
सो नाउ लेट्स सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड अप करने में हेल्प करेगा. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ए बी सी. तो व्हेन द सिस्टम इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ए बी सी सोन इन फिगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो क्यू ए बी सी इस प्रोसेस के थ्रू जो हीट है वो एब्जॉर्ब्ड, कल के भी लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए ये जो हीट आई है आपकी 30 जूल, इसको मैं पॉजिटिव लेने जा रहा हूँ, ठीक है. एंड If the system does 10 joule of work into the process, how much heat flows it during the process? और साथ में और क्या क्या दिया है देखो, shown in figure 80 joule of heat is absorbed. 80 joule, basically it is 80 joule of heat is absorbed and 30 joule of work is done by it. और जो work होता है अगर किया जाए, like सिस्टम अगर काम करता है तो फिजिक्स में उसे पॉजिटिव लेते हैं गाइस. तो वर्क डन बाय ए बी सी इज नथिंग बट दैट इज 30 जूल एंड दैट टू पॉजिटिव, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड इफ द सिस्टम डज 10 जूल ऑफ वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ए डी सी, अब इसमें भी वर्क डन ही कर रहा है सिस्टम, दैट इज 10 जूल, सो हाउ मच हीट फ्लोज इनटू इट, तो क्यू ए डी सी निकालना है हम लोगों को. तो समझिएगा गाइज इस बात को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. व्हेन द सिस्टम इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ए बी सी, यहाँ पर आप प्रोसेस ए बी सी को देखिए, एंड सोन इन द फिगर 80 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय इट इफ द सिस्टम डज 10 जूल ऑफ एनर्जी. तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला है, सोचिए कि दिस इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है. ऐसे हम लोग, अब ये जो है दिस इज स्टेट फंक्शन, जबकि जो Q और W हैं ये पाथ फंक्शन है, यानी ये पाथ में अलग अलग होंगे. लेकिन जो डेल्टा U है, आप चाहे ए बी सी पाथ के थ्रू जाएं या आप ए डी सी पाथ के थ्रू जाएं, आपका डेल्टा U सेम रहने वाला है. तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो पहली इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ से डेल्टा यू निकालेंगे और हमें क्यू पता करना है, इस डेल्टा यू को इस सेकेंड में यूज़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है. ये हमारी यहाँ पर स्ट्रेटजी होने वाली है. तो बेसिकली देखिए कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अब आप इसको जो एक बैंक की तरह भी समझ सकते कि आपने जो है क्या किया, 80 जूल ऑफ वर्क यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर दिया सिस्टम के पास, यानी जैसे पैसे बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, उसमें से आपने वर्क करके खर्च कर दिए, और जो डेल्टा यू होता है वो आपका टोटल बैलेंस होता है. तो आप 80 जूल लेके आए और आपने कितना खर्च कर दिया गाइस, बताइए, 30 जूल आपने खर्च कर दिया. सो हाउ मच लेफ्ट विद यू, दैट इज 50 जूल, ठीक है. तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, आपका डेल्टा यू 50 जूल है. अब यहाँ पर देखते हैं, हमें पूछा गया है वर्क डन ड्यूरिंग जो है ए डी सी, तो यहाँ पे देखो डेल्टा यू और क्या होगा आपका वर्क डन ए डी सी द्वारा, ठीक है. तो डेल्टा क्यू निकालना, बेसिकली आपके पास जो अकाउंट में पैसे हैं 50 जूल, और उसमें भी आपने जो है क्या किया, वर्क डन किया, क्या किया, वर्क डन किया, एंड दैट इज 10 जूल का वर्क डन किया आपने. तो यानी कि आपका जो डेल्टा क्यू है दैट इज़ नथिंग बट 60 जूल, ठीक है. कितना है, 60 जूल. सो दिस इज़ लाइक आपका डेल्टा जू क्यू जो निकल के आ रहा है फॉर ए डी सी पाथ इज 60 जूल. तो प्लीज़ राइट दिस. सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो एक पीवी डायग्राम दिया गया है गाइस. तो बोल रहे हैं कि 50 कैलोरी ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड टू टेक अ सिस्टम फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, ठीक है, थ्रू द पाथ ए सी बी. तो ए सी बी के द्वारा जो हीट सप्लाइड है, यानी कि Q ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए सी बी इज़ गिवेन एज 50 कैलोरी, ठीक है. ये पहली चीज़ दी है. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी सप्लाइड, हमें निकालना है ए डी बी टू टेक इट फ्रॉम ए टू बी वाया डी. तो देखिए अब जो भी दो क्वेश्चन करें उन्हीं का एक्सटेंशन है गाइस. यहाँ पर ए डी बी के पाथ के द्वारा आपको बी पे पहुंचना है, तो
तो गाइज एक बात समझिए आप कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, तो डेल्टा U जो होता है दैट इज़ Q माइनस W, ठीक है। तो डेल्टा U आपका फिक्स रहेगा वेदर यू गो फ्रॉम AC टू B और AD टू B बिकॉज इट्स अ स्टेट फंक्शन। तो यानी आई कैन राइट एक इम्पॉर्टेंट बात दैट इज़ Q माइनस W ACB इज इक्वल टू Q माइनस W थ्रू द प्रोसेस ADB, ठीक है। दोनों ही प्रोसेस में आपका जो डेल्टा U है वो फिक्स है, दैट्स वाई द चेंज इन Q एंड W विल बी सेम फॉर बोथ ACB एंड ADB। तो सबसे पहले हम लोग W कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज W कैलकुलेट करना अभी सीखे हम लोग, दैट इज़ क्वाइट ईजी थिंग। तो पहले ACB के थ्रू वर्क डन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो W ACB निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो W ACB जब निकालने जाओगे तो देखो CB वाला तो आपका जीरो हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एक तो पार्ट जीरो हो गया। दूसरा पार्ट ये जो AC वाला है ये निकाल लेते हैं, दैट इज़ 50 × 10³ और यहाँ पर 400 − 200 cc, यानी कि 200 × 10⁻⁶। सो दिस इज़ लाइक 10³ हो जाएगा, और ये दो और ये जीरो भी ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज 3 जीरो ये हो गए, और ये 10⁶ सारा हो गया और ये −6 हो गया, कट गया, तो 10 जूल आपका बचा। तो कितना बचा गाइस? 10 जूल। तो व्हाट आई कैन से कि ACB के थ्रू जो W आया है वो 10 जूल है, तो ये 10 यहाँ पर रख दो आप, ठीक है। अब ADB के थ्रू निकाल लेते हैं। ADB में AD तो जीरो है, WADB निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो WAD जो है दैट इज़ जीरो। अब यहाँ पर DB निकालेंगे, दैट इज़ नथिंग बट 155 × 10³, और पाथ का डिफरेंस है 200 × 10⁻⁶, ठीक है। तो अब इसको निकाल लो भाई, कितना होता है आपका 10⁻⁴, 2 कम करो तो 10⁻⁴ और 10⁻⁹ हो गया, यानी कि 10 नीचे तो 5 से डिवाइड कर लो 155 को, दैट इज़ 5 × 3 = 15, 5 × 1 = तो 31 जूल आया। सो दिस इज़ लाइक 31 जूल, ठीक है। तो इतना हो गया, अब इसको रफ कर देता हूँ, ये कैलकुलेशन आप लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ। ये 31 लिख दिया और ये भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बचता है हमारे लिए हीट, और वो दिया गया है, QACB इज़ गिवेन, दैट इज़ नथिंग बट 50 कैलोरी। तो 50 कैलोरी को पहले आप जूल में कन्वर्ट करें, दैट इज़ 4.2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हाउ मच दैट विल बी, 50 × 4 = 200 और 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो 50 × 100 यानी कि 10, यानी कि 210 जूल आया। तो यहाँ पर आ गया आपका 210, ठीक है, क्लियर है, बिकॉज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये हो गया आपका 210 प्लस 31 इज इक्वल टू क्यू, यानी कि क्यू जो ADB में आया जो कि पूछ रहे हैं वो है 241 जूल। अब ये जूल में है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, कैलोरी में, तो उसके लिए आपको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट विल बी इन कैलोरी। अब इसको ऐसे कर दो, कितने बार जाएगा ये, 5 टाइम्स जा रहा है, 55 गाइस, ठीक है। तो दोनों बार 5 से गया ये, सो दिस इज़ लाइक 55 कैलोरी, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट और आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 10 जो कि PV कर्व के बेसिस पे है, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो वी हैव टू डू लाइक कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर। वॉल्यूम गिवन है और पी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है। तो पहले हम समझें कि क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यू क्या आपका स्टेट फंक्शन है, तो आप बोलेंगे नहीं, इट्स अ पाथ फंक्शन। W स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन, यू विल बी टेलिंग कि पाथ फंक्शन।
क्योंकि अगर डेल्टा यू जीरो हो जाए तो क्यू और डब्ल्यू बराबर ही होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना, आप डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है। अब मान लो साइक्लिक प्रोसेस गाइस, तो आप यहाँ पर, यहाँ से आपने मान लीजिए प्रोसेस को स्टार्ट किया, आप घूम फिर के आए और फिर आपको यहीं आना पड़ेगा, तो साइक्लिक प्रोसेस में व्हाट हैपेंस कि डेल्टा यू जीरो हो जाता है, तो बेसिकली आपका क्यू जो हो जाता है दैट इज डब्ल्यू हो जाता है, क्लियर। तो Q इज इक्वल टू W। अब क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर क्या दिया है। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड पूछा गया है साइक्लिक प्रोसेस में, तो हीट एब्जॉर्ब्ड के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि PV कर्व में जो एरिया होता है वो वर्क डन होता है, और PV कर्व में Q निकालने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, That has only mathematical formula to find out Q, ठीक है। तो basically अब हम यहाँ पर Q को निकालने के लिए W का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो अब W को कैसे निकालें हम लोग, तो देखो जो PV curve होता है उसमें जो area होती है, ये area, that is क्या बोलते हैं उसको हम लोग, work done, ठीक है। अब देखो जब area, अब ये लिख लेना आप point, जब area clockwise हो PV curve में तब जो है वर्क डन पॉजिटिव होता है, और जब एरिया एंटी क्लॉकवाइज हो पीवी कर्व में तो वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, दैट इज कि क्यों होता है ऐसा, आखिर क्लॉकवाइज में क्यों हुआ। अब मान लो कल को पी ओ वी बदल दें और आप रट के जाएँ और आप गड़बड़ करके चले आएंगे, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे आप ये ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला पोर्शन, तो इसमें देखिए आप जब आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अब P डेल्टा V में अगर V फाइनल माइनस V इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन है गाइस, उसमें आपका वॉल्यूम घट रहा है, वहाँ निगेटिव वर्क आ रहा है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव, तो ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, बड़े में से छोटा से सब्ट्रैक करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये कारण है यहाँ पर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव वर्क डन आने का। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। अब बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, एरिया निकालना है, पर एरिया निकालना भी इतना आसान नहीं गाइस। अब रेडियस, क्योंकि देखो यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स होती हैं, किलो पास्कल है और यहाँ पर आपका सी सी है, तो जब हम यहाँ पर एरिया निकालने जा रहे हैं तो हमें लाइक इस तरीके से फॉर्मूला, इलिप्स वाला जो एरिया फॉर्मूला होता है ना गाइस, वो यूज़ करना पड़ता है, पाई ए बी, भले ही ए और बी बराबर हो लेकिन पाई ए बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बिकॉज ये दिखने में आपको गाइस लग रहा है सर्कल, पर ये सर्कल है नहीं। आप कहेंगे ऐसे कैसे बकवास कर रहे हैं, आपकी सर्कल दिख रहा है पर सर्कल नहीं है। अब देखिए इसकी जो यूनिट्स हैं वो अलग है, दिस इज़ किलो पास्कल, तो ये तो क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो यानी कि अगर मैं इसको एसआई यूनिट में करूं तो ये 10^-6 में जाएगा, तो ये ऐसे श्रिंक हो गया। और इसको अगर मैं लाइक करूं किलो पास्कल में तो ये बढ़ गया ऐसे, तो बन गया ना एलिप्स। इसलिए गाइस हम लोग पाई ए इंटू बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो बस हो गया काम गाइस, दिस इज़ लाइक पाई ए, इसी को ले लो 300-100, दैट इज़ लाइक मेजर एक्सेस, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, ए मतलब मेजर एक्सेस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसका टू 1 जो होता है उसमें ए मेजर एक्सेस और बी माइनर एक्सेस है, तो ये हाफ होगा, सेमी मेजर एक्सेस ना, 2a होता है टोटल लेंथ मेजर एक्सेस का, a होता है सेमी मेजर एक्सेस, तो 300-100 इज 200 एंड दैट टू डिवाइडेड बाई 2 और साथ में 10^3। यहाँ पे डिफरेंस लो, दिस इज लाइक 200/2, ठीक है, b निकाल रहे हैं तो 2b है। अब इसको हम लिखते हैं 10^-6 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब को, लाइक इफ यू वॉन्ट टू चेंज इन टू मीटर क्यूब देन आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई दिस। 2 से काटा पीटी मचाओ तो दिस इज 100 और इसको काटा पीटी मचाओ तो दिस इज ऑल्सो 100 एंड दिस इज लाइक 10^3, यहाँ से उधार ले लो ये, और ये पूरे बन गए 10^6। तो 10 पाई हमारा वर्क डन आया गाइस जूल में, वही हमारा हीट सप्लाई टू द सिस्टम आया।
तो हम तो क्यूब से मतलब है हमको, तो 10 पाई यानी कि 3.14 यानी कि 31.4 जूल, ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। तो गाइस जैसे कि अभी जस्ट आई हैव सीन द कमेंट्स कि स्टूडेंट्स आर टेलिंग कि ऑब्जेक्टिव भी इस चैप्टर के करिए गाइस, तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल फिनिश एक्सरसाइज एंड देन वी विल डू ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव कोई ज़्यादा तो है नहीं चैप्टर में, वी विल डू दैट। ओके गाइज, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर प्रॉब्लम्स। और ये चैप्टर जल्दी हो जाएगा, देखिए आज 10 हो गए हैं, अराउंड 22 क्वेश्चन आ देयर, सो इट विल बी फिनिश वेरी अर्ली। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।